लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र है और आज लखनऊ में सरकार का विरोध प्रदर्शन। कानपुर बुलडोजर कांड समेत कई और मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा वहां देखा जा रहा है। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता जुटे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अभिषेक, अगर आप वहां पर हैं तो तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का हंगामा। देखिए बिल्कुल अर्पिता, यूपी विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन तस्वीर अभी ये है कि तमाम मार्शल्स ने, तमाम सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को बाहर कर दिया है। अभी तक के समय में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मीडिया कवरेज के लिए गई हो और कोई तस्वीर ना आए, लेकिन जैसे ही वहां विरोध बढ़ा उसके बाद में तमाम पत्रकारों को वहां से बाहर कर दिया गया। और हम बाहर की तरफ आप देखेंगे, तमाम पत्रकार यहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी है मुख्य गेट के सामने। हमारे से बातचीत की थी मनोज पांडे ने, शिवपाल यादव ने भी कहा इस बात को कि इस पूरे सत्र में सरकार के खिलाफ तमाम जितने मुद्दे हैं उसको आप उठाने का प्रयास होगा। लेकिन इस वक्त देखिए, आप इस वक्त डीसीपी सेंट्रल यहां पर आई हैं और बड़ी मुश्किल से अब मीडिया को अलाउ किया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कहती रही तमाम मुद्दों को लेकर के, लेकिन मीडिया के साथ में अभी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है यहां पर पुलिसकर्मी जो है वो लेने के लिए मीडियाकर्मी को यहां पर इजाजत दी है और सीधे और अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के विधायकों को रोकने की कवायद थी। यहां पर आप देखिए ठीक मेरे सामने, यहां पर जो है तमाम विधायक धरने पर बैठे थे, उनको यहां से हटा दिया गया है। कहा गया कि चूंकि गार्ड ऑफ ऑनर होना है राष्ट्रपति महोदया का, तो ये तमाम पोस्टर्स आप देखेंगे इनको यहां से हटा दिया गया। और यहां पर कुछ समय पहले, लगभग 5 मिनट पहले, यहां पर तमाम जो विधायक थे वो पहुंचे हुए थे, लेकिन मीडिया को हटा करके यहां पर तमाम विधायकों को यहां से हटा दिया गया है। सदन 11 बजे शुरू होगा, राष्ट्रपति महोदया को आज अभिभाषण देना है। बजट सत्र की शुरुआत 22 फरवरी से होनी है, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें अगर आप देखें तो किस तरीके से है, सुरक्षा का जो घेरा है उसे काफी महत्वपूर्ण किया गया है और पूरी तैयारी यहां पर इस वक्त हो रही है राज्यपाल महोदया के आने की। लेकिन सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज पहले दिन से ही कमान संभाल रखी है, चाहे कानपुर देहात की घटना हो, महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर के यहां पर सीधे तौर पर आज घिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और जो तस्वीरें आज सुबह हमने देखी वो सीधे तौर पर बताने के लिए काफी है कि इस बार का यूपी विधानसभा का बजट सत्र सरकार के लिए कितनी चुनौती लेकर के आएगा, क्योंकि पहले दिन के पहले घंटे से ही समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों पर सरकार को घिरती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप रहिए और नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।